एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय कॉमन रसोई। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए ऐसा पैक लेकर आई हूँ जो कि आपके हाथ पैरों की स्किन को बिल्कुल ही चमका देगा, गोरा बना देगा। आपकी स्किन की जो बेजान सी हो रही है, आपके हाथ पैरों पर डेड स्किन जमा हो गई है, बिल्कुल ही मैल सा, डस्ट, गंदगी सी नज़र आ रही है, लेकिन वो निकल नहीं रही है, जिद्दी बन चुकी है। तो उसके लिए ये पैक लाजवाब पैक है। आप इसको एक बार लगाओगे ना, आपकी स्किन की टैनिंग की समस्या दूर हो जाएगी, आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। और बहुत ही कमाल का पैक है, एक बार ट्राई ज़रूर से ज़रूर करना। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। इस तरीके से आपको इस पैक को लगाना है। ये देखिए कितने सारे झाग बन रहे हैं। झाग इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें 2-3 इंग्रीडियंट इस तरीके से ऐड किए हैं जो कि हमारी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेंगे और हमारे जो मैल, डस्ट, गंदगी जो हमारे हाथ पैरों पर जमा हो गई उसको बिल्कुल ही निकाल देगा। ये तो आपको करना क्या है, इस तरीके से कोलगेट लेनी है, यानी कि आपको एक चम्मच कोलगेट लेनी है। कोलगेट आपको बिल्कुल ही अच्छे से एक फेयरनेस का जो है काम करेगी आपके हाथ पैरों पर। और थोड़ा सा हम शैम्पू ऐड करेंगे। शैम्पू हमारे जो हाथ पैरों जो डस्ट, गंदगी, मिट्टी, धूल लगी हुई है उसको बिल्कुल ही हटाने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मैंने शैम्पू और कोलगेट को दोनों को मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 84 हल्दी, इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी इसमें ऐड की है मैंने। आप चाहो तो सब्जी वाली हल्दी ले सकते हो या फिर कस्तूरी हल्दी ले सकते हो, दोनों ही बड़े कमाल की हैं। तो इस तरीके से हल्दी से हमारी क्या होता है, हमारी स्किन और ज़्यादा चमक जाती है, काफ़ी ब्राइट करने में हेल्प करता है हमारे कलर को। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। लेमन में विटामिन सी भरपूर होता है। विटामिन सी हमारी डस्ट, मैल, गंदगी को बिल्कुल ही, जो मैल लगा होता है हमारे हाथ पैरों पर उसको काट देता है। आपने देखा होगा हर चीज़ में, फेस वॉश में भी या क्रीम में भी, हर चीज़ में लेमन का यूज़ किया जाता है ताकि वो डस्ट, मैल, गंदगी को निकाल फेंके, बिल्कुल ही आपकी डेड स्किन को निकाल दे। तो इस तरीके से मैंने इसमें लेमन ऐड किया है, आधा लेमन मैंने इसमें ऐड किया है। और ये पैक बनकर बिल्कुल ही हो गया है रेडी। और अब मैं इसको अपने हाथ पैरों को क्लीन करने के बाद में, वॉश करने के बाद में, इस तरीके से मसाज करते हुए इस पैक को लगा सकते हो। अगर आपकी एल्बो वगैरह काली हो रही है ज़्यादा और जिद्दी बन चुकी है उसकी मैल, तो वहाँ पर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन मैं अब भी आपको बोलूँगी इसको फेस पर ट्राई मत करना, क्योंकि फेस पर अगर हो सकता है फेस पर आपको इचिंग वगैरह होने लगे इसको लगाकर, तो फेस पर ट्राई मत करना। इसको हाथ पैरों पर ही खाली आपको ट्राई करना है, या फिर आपके पीछे से जो नेक है वो काली हो गई है वहाँ पर ट्राई कर सकते हो आप इसको, लेकिन हाथ पैरों का पैक तो है ही ये। तो इस तरीके से मैंने ये पैक लगा लिया है और 10 से 15 मिनट तक आप इसको सुखा लेना। बहुत ही जल्दी सूख जाता है वैसे ये, लेकिन आप फिर भी इसको 10 मिनट तो दीजिएगा। इस तरीके से मैंने ये पैक लगा लिया है। मैं अपने पैरों पर भी लगा लेती हूँ इसको इस तरीके से। अब ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी रिजल्ट कितना अच्छा आने वाला है, अमेजिंग इसका रिजल्ट है। तो ये देखिए इस तरीके से वॉश करोगे ना तो आपके काफ़ी ज़्यादा झाग बनने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोलगेट और शैम्पू यूज़ किया है। तो इस तरीके से यही झाग आपके डस्ट, मैल, गंदगी को बिल्कुल रिमूव करेगा। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत ही फ्रेश फ्रेश सा फील होगा जब आप इसको लगाओगे। तो अब मैं इसको आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है, बिल्कुल डस्ट, मैल, गंदगी जो भी मेरे हाथ पर लगी थी सारी निकल चुकी है, बिल्कुल ही ग्लो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।